नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप दिल्ली यानी कि देश की राजधानी दिल्ली, जी हां, और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट आजादपुर मंडी से इस समय पर प्रोग्राम को देख रहे हैं। इस समय हम पाइनएप्पल के जो थोक विक्रेता हैं इस एशिया की सबसे बड़ी मंडी के, वहां हम खड़े हैं सचदेवा फ्रूट कंपनी और उनके जो फाउंडर हैं मिस्टर राजकुमार सचदेवा जी, वो इस समय पर हमारे साथ हैं। सचदेवा जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सचदेवा जी, पाइनएप्पल एक हेल्दी फूड, और हेल्दी फ्रूट की इस समय पर मार्केट क्या है, और अभी केरल चूंकि इसका ग्रोइंग एरिया है, वहां पर ग्रोइंग की इस समय पर पोजीशन क्या है? इस टाइम काफी अच्छी है, इस टाइम मतलब कि लास्ट ईयर से इस बार काफ़ी है। इस बार ये आने टाइम में और अब बढ़ेगा इसका। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर भी अब लोगों को अब लग रहा है कि इनसे खाने से कोलेस्ट्रॉल का बहुत फर्क पड़ता है, और शादियों वादियों में भी इसका काफ़ी अब चलन हो गया है। रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको मिलेगा ये, इस कारण इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है अब। ठीक है, तो अभी अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो इस समय पर प्राइस को लेकर के क्या पोजीशन? इस समय एवरेज प्राइस है अभी, अभी ना अप है ना डाउन है, एवरेज प्राइस है। क्योंकि यहाँ जंगल में तेज है, पीछे केरल में मार्केट थोड़ा तेज है, यहाँ पे अभी थोड़ा डाउन है थोड़ा सा अभी। ठीक है, कितना कितना एक डाउन है यहाँ पे? समझो 25% डाउन है थोड़ा अभी मार्केट, 25% का इम्पैक्ट है। तो अभी ऑन एन एवरेज गाड़ी कितनी आ रही है, और आज कितनी गाड़ियों की अराइवल है? आज है 8 गाड़ी है, आज फ्रेश फ्रेश 8 गाड़ी है, और 4 गाड़ी बैलेंस है कल की। अभी इतना डिमांड नहीं आ रहा, जबकि शादियों का सीजन होना चाहिए डिमांड, इसकी डिमांड नहीं आ रही। और अभी के अगर सिनेरियो, ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो जैसे आपने बताया कि 25% एक बड़ा क्वांटम है कि भाई अगर 100 रुपए की चीज 75 रुपए पर बिक रही है, ठीक है, तो उससे निश्चित तौर के ऊपर ट्रेडर्स बड़ा, उनका जो मोराल है वो काफी डाउन चला जाता है। सिर्फ ट्रेडर्स का ही नहीं जाता, पीछे फार्मर्स का भी चला जाता है। फार्मर्स का भी सर नुकसान है इनको अभी तक, हमको भी थोड़ा अभी उनको भी खींचना पड़ता है, पर भी खींच नहीं पा रहा मार्केट। तो आपको क्या लगता है शेल्फ लाइफ इसकी कितनी होती है? इसकी अपनी इसकी इसकी चल जाता है सर, ये 1 वीक चल जाता है, ये 1 वीक चल जाता है। हाँ जी, तो फार्मर क्या इसको स्टॉक भी कर सकते हैं, स्टोर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते सर, नहीं रख, नहीं, अगर ये कट गया एक बार तो उसके बाद सीधा इसको भेजना पड़ता है कहीं ना कहीं, और उसको 5 दिन में पहुंचता कहीं भी, उसके बाद ये 1 वीक तक इसकी रहती है। तो अपने पास जो अराइवल है वो सिर्फ सिर्फ केरल की तरफ से ही आ रही है या कहीं और से भी? नहीं, अभी हम केरल का कर रहे हैं, रानी पाइनएप्पल सर ये, रानी पाइनएप्पल, रानी रानी पाइनएप्पल। हाँ जी, वो इसमें नहीं की आती है। अच्छा। एक राजा पाइनएप्पल होता है, वो जूस में चलता है। अच्छा। वो सिलीगुड़ी और वहाँ से आता है, कर्नाटका से आता है वो। अच्छा, तो क्या राजा पाइनएप्पल भी हमारे पास? नहीं, राजा काम नहीं करते, पहले करते थे वो छोड़ दिया। अच्छा, अब रानी करते हैं ओनली, अब रानी करते हैं ओनली। तो अभी जूसेस को लेकर के कोई मार्केट के अंदर में कोई इसको मतलब जूस के अंदर में यूटिलाइज नहीं कर सकते? अच्छा जूस होता है सर इसका, इसका रानी का भी बहुत मीठा होता है, रानी का भी। राजा का पियेंगे तो थोड़ा खट्टापन पे आएगा। हाँ। ये बहुत मीठा होता है। ओके। तो मैं आपको दिखा दूं, जिस रानी की ये बात कर रहे हैं, ये रानी पाइनएप्पल है, और ये केरल से आता है, और लगभग लगभग 7 से 10 गाड़ी आ जाती है इसकी रोज। 7 से 12 गाड़ी, 7 से 12 गाड़ी। आज कितनी है? आज है फ्रेश 8 गाड़ी है। अच्छा, और बैलेंस गाड़ी 4 है। और आज का भाव? भाव ये रहेगा 40-45 के रेंट, 40-45 रुपीस पर केजी, पर केजी। और एक पाइनएप्पल ऑन एन एवरेज कितने किलो का निकल जाता है? 1 केजी टू 2 केजी, 1 केजी टू 2 केजी। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये रानी पाइनएप्पल है, इसको मोस्टली खाने के लिए, च्यूइंग करने के लिए यूज किया जाता है। एक इसका जो दूसरा पाइनएप्पल आता है वो राजा पाइनएप्पल, नाम बहुत यूनिक है क्योंकि इसके सर पर ताज भी है, एक रानी का ताज, एक राजा का ताज, तो शायद इसीलिए इनके जो नाम रखे गए हैं वो इसी पर्पस के लिए रखे गए हैं। मार्केट आज डाउन है, 40-42 रुपए के आसपास का भाव यहां आजादपुर मंडी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि सचदेवा साहब ने बताया कि पीछे केरल की मंडी अब थोड़ी सी तेज होने लगी है, तो कब तक यहां दिल्ली के अंदर इंपैक्ट पड़ेगा, कब तक उठाव आ सकता है प्राइसेस में? यहाँ सर यहाँ कुछ कह नहीं सकते, मेन पीछे जंगल तेज है, वहाँ डाउन करना चाहिए इनको। जंगल तेज से क्या मतलब माने? मतलब जो पीछे मार्केट है केरल में वो थोड़ा तेज है, तो वो अगर तेज है मार्केट तो कम करें तो कुछ यहाँ पे सुधार हो सकता है थोड़ा। अगर मार्केट वहाँ पर तेज है तो यहाँ पर भी प्राइसेस अप होने चाहिए? नहीं होते सर, यहाँ ऑन द डिमांड है यहाँ पे। अच्छा, शादियों का सीजन चल रहा है तो थोड़ी डिमांड आता है।
तो क्या ये नुकसान का माने आप वहाँ से? नुकसान हो रहा है, अभी नुकसान में चल रहे हैं सब। तो आप वहाँ पे क्या रेट पे परचेज करते हो इसको? हम सर जो भी रेट होता है वहाँ का वहीं ले लेते हैं, वहीं वहाँ 37-38 रुपीस रेट है सर। तो बाकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा ऐड ऑन हो जाता है, 10 रुपया खर्चा सर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का। तो काफी डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, जो कि अभी लो सीजन। तो इस समय पर पाइनएप्पल का जो मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन है जैसा सचदेवा जी ने बताया, और हो सकता है कि जैसे ही डिमांड निकले, शादी ब्याहों की जो डिमांड है उस समय पर, सीजन जो आता है उस समय पाइनएप्पल की एक डिमांड बढ़ती है, तो निश्चित तौर के ऊपर भविष्य के अंदर में प्राइजेस अप जा सकते हैं। और जो भविष्य है, चूँकि राजा जो पाइनएप्पल है वो जूसेस के लिए मेजरली प्रयोग में आता है, और जो रानी पाइनएप्पल है वो बेसिकली खाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और आज तकरीबन 8 गाड़ी की अराइवल। बहुत बहुत धन्यवाद सचदेवा जी, मार्केट टाइम्स टीवी से बात करने के लिए।